तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है बहुत अच्छा वाला, इतना कि तुम खुश हो जाओगी और तुम्हें यकीन नहीं आएगा, वाकई यकीन नहीं आएगा। और लोगो प्लीज मिस नहीं करना, और लोगो देखो चलो मैंने मिक्स मजाक कर रहे मेरा नहीं। अरे हाँ सच में इधर रखो और खोलो। हाय गाइस अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी हिरा फैसल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो बहुत बहुत स्पेशल होने वाली है क्योंकि इट्स अ प्रैंक वीडियो और आज हम प्रैंक करने वाले हैं ज़ैनब के साथ। आज का प्रैंक थोड़ा सा रियल इस तरह से होने वाला है कि मैं करने वाली हूँ ज़ैनब के साथ थोड़ा 14 प्रो मैक्स वाला मजाक। तो ये प्रैंक इस तरह से उसको रियल लगने वाला है क्योंकि बाबा के थ्रू ये प्रैंक करवाऊंगी, क्योंकि बाबा हम सबको हमारे बर्थडेज पे फोन गिफ्ट कर चुके हैं, ऐसे ज़ैनब भी रह चुकी है जिसको अभी तक इस तरह से गिफ्ट नहीं मिला है। तो मैं बाबा के थ्रू उसके साथ प्रैंक करूंगी और उसका रिएक्शन देखते हैं। मुझे तो डर है कि वो रोना पड़े, लेकिन लेट्स गो। प्रैंक के लिए हम नीचे से पहले ज़ैनब को बुलाते हैं। ज़ैनब ऊपर आओ, बात सुनो, तुम्हारे लिए गुड न्यूज़ है। हाँ क्या गुड न्यूज है? पता, अभी पापा नहीं आया और मुझे अभी पापा की कॉल आई है और मुझे पापा ने ना तुम्हारे लिए एक सरप्राइज की कॉल की है और उन्होंने कहा है कि ज़ैनब को नहीं बताना लेकिन मैं तुम्हें फिर भी अलर्ट कर रही हूँ कि अच्छे से कपड़े पहन लो, प्यारी सी बन जाओ और तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। अच्छे कपड़े ना भी पहनो लेकिन मैं वैसे तुम्हें अलर्ट कर रही हूँ। क्या क्या मतलब क्या? तुम्हारे लिए तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है बहुत अच्छा वाला, इतना कि तुम खुश हो जाओगी और तुम्हें यकीन नहीं आएगा, वाकई यकीन नहीं। ओके तो जब तक पापा नहीं आ जाते हैं तो मेरा पुत्र उधर टिकट छुट्टी कर, ठीक है? और तब तक तुम भी बैठ, अभी नहीं पापा आ रहे ना, सरप्राइज तुम्हें पापा ने देना, मैंने नहीं देना। कपड़े दे रहे जो था नहीं है, तुम्हारी सरप्राइज है, तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस से भी ऊपर तुमने कहना है वाओ कि ये मेरे लिए सरप्राइज है, सोचती रहो। तब तक आप लोगों में से बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा था कि हमें स्किन की प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे एक्नी हो जाती है, छाइयाँ पड़ जाती हैं, डार्क टोन आ जाता है, सनबर्न हो जाता है हैंड एंड फीट पे, तो इन सब चीज़ों के लिए क्या आप रिकमेंड करती हैं? तो मेरे पास एक क्रीम है जो मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ, आई थॉट कि मैं उसका फॉर्मूला आपके साथ भी शेयर करूँ। कौन सी क्रीम है? मुझे नहीं पता। तुम्हें पता है उस क्रीम का जो मैं रोज लगाती हूँ रात को, जो तुम छुप छुप के तो मेरे साथ लगाने आती हो, उसको पता है केक बनाने का प्रोसीजर है? नहीं नहीं पाउडर नहीं होता, दो क्रीम्स होती हैं उनको आपस में मिलाना होता है। सो मिलाओ आ जाओ। मेरी जो पुरानी वाली थी वो खत्म होने वाली, मैंने न्यू प्रोडक्ट्स मंगवाई हैं दराज से, सो लेट्स गो, मैं आपको बनाना सिखाती हूँ। ये देखो मैं प्रोडक्ट्स से आई हूँ, हम मिलके बनाएंगे, मैं बनाऊंगी तुम भी बनाओगी। देखो मैं इसके लिए बाउल भी लाई हूँ। हाँ सबसे पहले ये होमी क्योर क्रीम, ये मेड इन पाकिस्तान है। ये इस क्रीम को कौन सी जुबान लिखी है? इसके ऊपर लैंग्वेज डिफरेंट है बिकॉज ये थाईलैंड की प्रोडक्ट है। ये है ग्लूपाटॉन, ये स्किन वाइटनिंग इमल्शन है, इसको हम इसके अंदर मिक्स करते हैं और ज़ैनब ने मुंह पे सारी क्रीम लगा ले और ये बड़ा अच्छा मिक्सचर बनता है और ये काफी चीजों के लिए यूज होता है, इसके बहुत सारे एडवांटेज है। मैं पहले बनाती हूँ, मैं आपको इसको बनाने का तरीका सिखाती हूँ एंड देन फिर हम फेस पे लगा के दिखाऊंगी। इसके ना दो पाउच आते हैं, एक ये बड़ा वाला होता है एक ये छोटा वाला, एक बड़ा दिमाग मुझे काफी ज्यादा यूज करना पड़ता है तो मैं बड़ा वाला ज्यादा यूज करती हूँ। हाँ तो चलो बनाए। अच्छा अगर मेरी ये एक्नी खत्म हो गई कितना अच्छा रहेगा? हाँ इसके ऊपर लिखा हुआ है विद इन, वैसे मुझे है नहीं एक्नी लेकिन क्या कुछ है क्लियर स्किन और इससे ना ग्लोइंग स्किन हो जाती है बहुत ज्यादा। ये डॉक्टर मेड क्रीम है, लाइक इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, विद जीरो साइड इफेक्ट, ये कोई भी लगा सकता है, इसका भी कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इट्स अमेजिंग। जल्दी बनाओ, इसको पहले ओपन करेंगे। अच्छा मैं जो मोस्टली करती हूँ एक साथ बनाती हूँ मिक्सचर, दो क्रीम्स लेती हूँ और इसका जो डबल होता है ना वो ये डालती हूँ। हाँ ग्लो, ये देखो ये कितनी ग्लो कर रही है, और ये वाली। गंदा मैट कलर, मैट नहीं मैला, जो तुम्हारे अपने मुंह जैसा। अभी भी इसको मिक्सचर तो करो पहले ही लगा के मैट, इसको मिक्स करते हैं ना इन दोनों के साथ, इसके साथ इसका ज्यादा इफेक्ट होता है। चलो मिक्स करो जल्दी से। अरे नहीं 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 पहले ये नहीं डालना, पहले दो क्रीम्स डाली और फिर उसकी क्वांटिटी में बोला। देखो जल्दी से मेरे हाथ से निकाल के इसको डाल दियो, देखो मेरी स्किन अभी बेटा मिक्स तो कर लो, ज्यादा अच्छा इफेक्ट आता है उससे। ओ देखो लोगो, ये देखो ये, ओ देखो लोगो, और लोगो प्लीज मिस नहीं करना, और लोगो देखो। चलो मैंने मिक्स करने, चलो एक क्रीम निकाली, अब हम दूसरी भी निकालेंगे। ओके सो ये जो दो क्रीम्स थी हमने इसमें डाल ली है, अब ये ग्लूपाटॉन हम इसमें डालेंगे ताकि जो इसका इफेक्ट है वो इनहेंस हो सके। इस क्रीम का हम इसमें डबल डालेंगे। वैसे जो ये क्रीम मैं बना रही हूँ ये आप रात को भी यूज कर सकते हो, सुबह के टाइम भी। वैसे मोस्टली मैं ये क्रीम सुबह के टाइम यूज करती हूँ ताकि मुझे थ्रू आउट द डे इसका इफेक्ट मिले। मैं अभी आपको दोबारा से अप्लाई करके भी बताती हूँ। सो इसको अब हम मिक्स करेंगे। कितनी खुश हो रही है,
चलो अब आई थिंक इसको ये इनफ मिक्स हो चुकी है, अब हम इसको इसके कंटेनर्स में वापस डालेंगे और अपने फेस पे अप्लाई करेंगे। ये वैसे मुझे दराज की सेल से मिली थी, अगर आप इस प्रोडक्ट को खरीदना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रही हूँ, आप जाके परचेज करें और इनके प्रोडक्ट्स पे काफ़ी सारी सेल्स भी लगी हुई हैं। सो अब टाइम है आपको अपने फेस पे लगा के दिखाने का। चलो जिसको देखना ये मेरे से पहले ही स्टार्ट हो गई है। ज़ैनब मुझे तो लगा लेने दो, मेरे ना मेरे सिर पे चढ़ के बैठ जाओ, ये छोटी बहन है ना हर चीज पहले मुंह पे। मैंने सरप्राइज का भी वेट कर ही, पता नहीं पापा ने क्या ला रहे होंगे। अभी लेके आएंगे, पहले तुम क्रीम लगा लो। बस अभी से क्या मास्क की तरह करो? नहीं नहीं इसको मर्ज कर लो ना जैसे क्रीम लगाते हैं, मुझे भी करने दो। मैं कुछ ज्यादा नहीं लगा ली, थोड़ी सी लगा, नहीं इतनी भी काफी है। सो अब हम इसको अपने फेस पे अप्लाई करें। कोई बात नहीं, बाजू हाथों पे लगा लेता हूँ। ओके सो ज़ैनब ने अपने मुंह पे थोड़ी प्रोडक्ट ज्यादा ही लगा ली थी, लेकिन मैंने हिसाब से लगाई थी बिकॉज मुझे पता किस तरह से लगाते हैं। एंड यू गाइस कैन सी द ग्लो ऑन माय फेस, मैंने कुछ भी और नहीं लगाया, जस्ट क्रीम और आप मेरे चेहरे पे ग्लो देख सकते हैं। सो अगर आपको एक्ने का मसला है, अगर आपके चेहरे पे जैसे अक्सर छाइयाँ पड़ जाती हैं लोगों को, अगर आपको सन बर्न है, इट्स वेरी गुड फॉर हैंड एंड फीट, आप इसको पूरी बॉडी पे लगा सकते हैं और इट इज़ वेरी सेफ टू यूज़। सो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, गो एंड ग्रैब योर्स। वाओ क्या हुआ देखो, और तुमने ज़्यादा क्रीम ज्यादा लगा ली थी। मेरा ग्लो देखो, मेरा ग्लो तुमसे ज्यादा है। और ये जो ग्लूपट होना है ये आप किसी भी क्रीम के अंदर मिक्स करके लगा सकते हैं, किसी भी सीरम के अंदर मिक्स करके लगा सकते हैं और ये उसका जो इफेक्ट है वो ज्यादा कर देता है अगर आप इसको ऐड करते हैं। तो मैंने इसीलिए इस क्रीम में ऐड किया क्योंकि ये उसका इफेक्ट ज्यादा कर देता है। सो हमारा ये प्रोसेस कम्प्लीट। पापा आने वाले हैं सो ज़ैनब का सरप्राइज लेके, और ये सरप्राइज सिर्फ मुझे पता है, अभी हम ज़ैनब को ऊपर ही रखेंगे। लोगों को भी पता कि क्या सरप्राइज मिलने वाला है, मैंने वीडियो में पहले ही उन्हें बता दिया था। सो दरवाजा खोलो मैम के लिए, लेट्स गो। और ये औरत इधर वेट कर रही है अपने सरप्राइज का और वहाँ पीछे नूडल्स बना रही है, और किचन में आप गंध देख सकते हैं कितना है। कब आएगा? जब भी आएगा, तुम्हारे लिए अच्छा ही सरप्राइज है, बहुत अच्छा, तुमने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा इतना अच्छा होगा। वेट कर रही हूँ। हाँ बस वेट करो, बस पापा आने वाले हैं, तो मेरी भी कॉल पे बात हुई थी, वो कह रहे हैं मैं आ रहा हूँ। ओके सो ये औरत इधर बैठी हुई है। ज़ैनब डू यू लाइक माई ग्लो, मेरा फेस का ग्लो? मेरा कैसा लग रहा है? तुम्हारा भी अच्छा, दिखाओ जरा अपने फेस का ग्लो। सॉरी सॉरी नूडल्स मुंह पे लगी हुई है, तुम क्या हो क्या? चलो जल्दी जल्दी खा लो। पापा आ गए, पापा पापा आ गए, तुम इधर ही बैठो, तुम नहीं आओगी अभी, तुम इधर ही बैठो, ये तुम्हारे लिए सरप्राइज है। हाँ इधर बैठो, मैं अभी पापा को लेके आई, ठीक है? जल्दी आ रही हूँ, आ रही हूँ, आ रही हूँ। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। लाए हैं ना जो मैंने कहा था डिब्बा, मैंने पापा को सो वही दे दिया था। अंदर जो फिल कराने को कहा था वो करा के लें, छुपा लें छुपा लें। और आप लोगों से कहना है कि हम लोगों ने मिल के एक सरप्राइज प्लान किया उसके लिए, ठीक है? रियल वाला कार। हेलो, हेलो, अस्सलाम। सबको मैंने गिफ्ट दिए, न्यू मोबाइल लेके। हाँ मोबाइल लेके सबको दिए ना, मेरे पास 14 दे रहे। क्या दो ना, इधर दे दो, उधर बैठो जाके देते हैं। यार दो ना, मजाक कर रहे हो, मेरा नहीं। 14 प्रो मैक्स है बेटा तुम्हारे लिए, स्पेशल पापा लाए हैं। ये झूठ बोल रहे, सच में मुझे भी दिया था, राबिया को भी दिया था, अब ये तुम्हारे लिए लाए हैं स्पेशल। यकीन नहीं आ रहा ना, झूठ के मैं सामने बॉक्स है, यकीन नहीं आ रहा क्या? दिखाओ क्या? नहीं मिलना, बंद है, खुलना नहीं आता। हंस क्यों रही हो, यकीन नहीं आ रहा अपनी किस्मत पे? हाँ इस पे रख के खोलो, गिरना जाए अंदर से फोन, ध्यान से। तुमने वो वीडियोस नहीं देखे हैं वो जो खोलते साथ फोन नीचे गिर जाता है, तो ध्यान। अरे हाँ सच में, इधर रखो और खोलो जल्दी। कैसा लगा, कैसा लगा मेरा मजाक? ज़ैनब इतनी ज्यादा है, क्या हो गया? नूडल्स तो अच्छी है, पापा जाके छुप गए हैं बड़े चला के। कैमरा हाथ हिला दो, आपके साथ मजाक हुआ है। मुझे कुछ नहीं पता, ये तुम्हारे साथ प्रैंक पापा ने किया, सब बहनों को दिलाया और मुझे नहीं दिया, और प्रैंक किया, मुझे किया।
अच्छा होता तो आईलिश नूडल्स आती है, चुप करके टॉफीज खाओ, अच्छा नहीं है। चल मेरा पुत्र नूडल्स का। जैनब दिया तो है 14 प्रो मैक्स का डिब्बा। ऐसे कहते हैं किसी के गिफ्ट को। कैमरा बंद कर, कैमरा बंद नहीं होएगा। कैमरा बंद कर बेटा। मेरे साथ पापा ने भी बड़े प्रैंक किए, इसलिए मैंने सोचा कोई डिफरेंट बंदा ढूंढते हैं जिसके साथ प्रैंक करूं। क्या आप क्या हुआ है? तो बदतमीजी है ना। कोई बात नहीं, खेल रहे हो लोगों के दिल के साथ। ओए ओए ओए, इसका दिल ज़ैनब खुद का है। कैंडी मुझे 14 प्रो में, ये देखो ये है रिस्पेक्ट गिफ्ट की, सारा नीचे फेंक दिया। ज़ैनब कैंडी खा रहे हैं पापा, कितनी बुरी बात है। मजाक नहीं किया, अच्छी बात है। आपसे 14 प्रो में गई, मुझे नहीं पता। मेरे पेटे ना बढ़ो, मेरे बेटे पढ़ रही है। 14 प्रो मैक्स चाहिए तुम्हें मुझसे? इतने प्यार से पापा लाए हैं 14 प्रो मैक्स के डिब्बे में, ये एक्सपेंसिव गिफ्ट है। इसकी बजाय 14 प्रो मैक्स रख देते, वो दुकान में ही रह गया ना। वो जितना जितना पापा का बजट था ना, उसमें सिर्फ ये कैंडीज ही आ रही थी, तो उन्होंने कहा कैंडीज लेके जाए। अपनी नूडल्स तो खा लो, बेचारी वेट कर रही है। भूख मिट गई है। लो कैमरा बंद कर, जरा बच्चों की नहीं आपूर्ति। मैं जा रहा हूँ, बाय 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 बाय। मतलब मैं यहाँ पे थोड़ी देर और रुकी ना, जाने में कहना तुम ही मुझे 14 प्रो लेके दोगी। बेटा मैं जा रही हूँ बाय, इससे पहले कि मेरी गर्दन उतार दे। छुप जाओ। आप लोगों को चीज़ दिखाना चाहती हूँ, जो भी मैंने प्रैंक किया ना उसका उल्टा इफेक्ट हुआ जाने पर। उस टाइम अकेला पंछी बैठ के बन के इधर पता नहीं किस चीज़ की उदासी का इजहार कर रही है। इतने गंदे पाँव हुए हैं ज़ैनब तुम्हारे। क्या हुआ है? अरे क्या हुआ, इतनी क्या तुम्हें उदासी छा गई एकदम से? ऊपर देखना जरा। इतनी खुशी खुशी मेरे साथ मिलके क्रीम्स बना रही थी, अब क्या हुआ है? मैंने हमेशा तो नहीं ज़ैनब ऐसे किया था। मुझ पे प्रैंक करती हो? तुम्हारे साथ मैंने जिंदगी में पहला प्रैंक किया है। तो ये प्रैंक होता है तो 14 प्रो मैक्स लेकर देनी है, रियल में भी नहीं अब लेकर देनी है। अंदर कैंडीज डाल दी हैं आपने चलाकी से, मैं पूरा टाइम इतना वेट कर, मैंने आपके पास क्रीम भी बनाई थी, आप वो गिफ्ट लेकर आ रही हो। नहीं मेरा बच्चा नाराज नहीं है ना। मैंने नहीं बहन ही नहीं। ज़ैनब फेवरेट बहन से बहन के दर्जे से ही निकाल दिया तुमने मुझे। पहले कहती ज़हरा पे मेरी फेवरेट बहन है, अब कह रही है बहन ही नहीं है। मुझे इस दुनिया पे किसी का यकीन नहीं रहा, वैसे तुम्हें भी मुझ पे नहीं रहा होगा, आई कैन अंडरस्टैंड। बट ये मुंह क्यों फेर रही है उधर? आई प्रॉमिस मैं तुम्हें लेके दूंगी, अब बताओ, प्रॉमिस कर लेती हूँ। झूठ बोल रही हो, अभी मैं यकीन करूँ? क्योंकि मैं तुम्हारी फेवरेट बहन हूँ इसीलिए यकीन कर लो। कोई फेवरेट बहन नहीं है मेरी। ज़ैनब अभी गंदे पाँव दीवार पे लगा रही है, मैं बताती हूँ मम्मा को। ये देख लो, घूमना बंद करो। ले दूंगी आई प्रॉमिस, मुझे तुम बस एक महीने का टाइम दो, कोई किडनी कुडनी सेल करने वाला मिलता है तो तुम्हें भी ले देती। इतना गंदा मजाक आपने सोचा कैसे? सोचा नहीं, मेरे दिमाग में एक खुराफाती आइडिया है। मैंने सबके साथ प्रैंक किया, सिर्फ ज़ैनब के साथ नहीं किया। लेकिन रोने की जरूरत नहीं है तुम्हें, समझ आई है? चलो आई प्रॉमिस मैं तुम्हें 14 प्रो मैक्स लेके दूंगी, आज ऑन कैमरा तुमसे प्रॉमिस कर रही हूँ। निकल, छुट्टी कर, मैं अब मैं खुद ना ले लूँ। मैं मुझ गरीब के पास 13 है, 14 नहीं है अभी, ठीक है? तो इस मैडम को ले दूँ मैं साथ, ले लेते हैं क्या? चलो मैं जब लूंगी आई प्रॉमिस मैं तुम्हें भी साथ लेके दूंगी। प्रॉमिस करो कि जब 15 आएगा हाँ तब मुझे ले देना, क्योंकि अभी अभी तो मेरे पास 13 प्रो मैक्स। जब 15 आएगा तब भी ऐसे ही गिफ्ट दूंगी। नहीं मैंने फिर इकट्ठी हो जाना है। प्रॉमिस, दोस्ती कर लो, दोस्ती कर लो, नाराज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है? प्रैंक था, मेरे साथ भी इतना प्रैंक किया है पापा ने, मैंने कभी कुछ नहीं कहा। ऐसा का धब्बा मजाक तो नहीं ना तुम दिल के साथ खेलते हो? मैंने इतनी मेहनत से क्रीम आपके लिए मिक्स की बनाई और आपको इतना सास नहीं। मैंने बड़ी मेहनत लगी तुम्हारी क्रीम बनाने में, मिक्स की थी। मैं अक्सर करती हूँ अपनी क्रीम मिक्स। टू थिंग्स जो कि मैंने मिक्सर बनाया था, दिस वन इज़ दी होम्योक्योर एंड दिस वन इज़ दी ग्लूबट। एंड इफ यू वॉन्ट दीज प्रोडक्ट्स, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप जाके अपने प्रोडक्ट्स परचेज करें। Plus, if you like this video, don't forget to like, comment, subscribe and share. Plus, don't forget to click the bell icon ताकि आपको मेरी कोई भी नई video आने से पहले ही पता चल जाए. और I will be right back with another prank, with another video. और अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.